प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिहार में जो चल रही है, जिसके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो चुके हैं, उसको लेकर के यहाँ पर एक नई अपडेट निकल करके आ रही है। शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से आप देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय आदेश ये जारी हुआ है 17/6/2023 को आदेश जारी किया गया है। और ये जो आपकी 79,943 सृजित पद हैं, इसके बारे में सीटेट अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक इतना 25/9/2019 द्वारा वर्ष 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन हेतु स्पष्ट किया गया है कि बिहार टेट 2017 के लिए प्रावधानित है। सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60%, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिलाओं उम्मीदवारों 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निषिक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यक था। इसी के अनुरूप प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की अर्हता निर्धारित की जाती है। आगे कहा जा रहा है, उपरोक्त प्रावधान बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली जो 2023 आई है, जिसके तहत एक लिखित परीक्षा BPSC आयोजित कराएगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस नियमावली के आलोक में बिहार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के 79,943 सृजित पदों पर नियुक्ति के क्रम में सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी सेम चीज़ें लागू होंगी जो यहाँ पर बिहार टेट के लिए था। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप सामान्य कोटि से हैं तो 60%, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निषिक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक लाना बिहार टेट में अनिवार्य था और वही चीज़ें सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होंगी। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 17 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया है। तो जो लोग सीटेट पास हैं यहाँ पर, वो लोग इस आधार पे अपना फॉर्म भर सकते हैं, बस यही इस नोटिस का मतलब हुआ। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।